Hello everyone, so this is Rakshita from Life and Success. So today we are going to start from class 9 of history, that is chapter number 4, Forest Society and Colonialism. So this is the part 2 which I am going to start. So we have completed, हमने देखा था कि deforestation क्या होता है, deforestation के क्या क्या कारण हैं, land improve होनी चाहिए और sleepers बिछाने चाहिए tracks पे और भी यहाँ पे बताया गया, और तीसरा था plantations, जो बताया था मैंने प्लांटेशन, टी कॉफ़ी रबर के प्लांटेशंस। और उसके बाद हमने देखा कि कमर्शियल फॉरेस्ट कैसे राइज की गई, डाइट्रिच ब्रांडिस को बुलाया गया, तो वहाँ पे मतलब एक नया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का सिस्टम चलता था, सबको एजुकेट किया गया, उसके बारे में बताया गया, फिर लोगों को क्या क्या इफेक्ट पड़े फॉरेस्ट लॉज जब बनाए गए, कितने विलेजेस में उनको 3 फॉरेस्ट में डिवाइड किया, फिर कल्टिवेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ा, फिर कौन हंट कर सकते थे और कौन नहीं कर सकते थे और उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते थे हंट करने पे, ये मैंने आप मैंने सबको बताया। फिर नेक्स्ट थे नए नए एम्प्लॉयमेंट, नए नए सर्विस जो स्टार्ट हुए, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट हाउस के बाद बहुत लोगों ने काम छोड़ दिया, ट्रेड वगैरह करने लगे। फिर हम रिबेलियन इन फॉरेस्ट, मतलब बस्तर पे थे, तो बस्तर के लोग, मैं हाँ ये वाला पैराग्राफ मैं बता रही थी जिसमें जो है मतलब वो लोग मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स करते थे उनकी, इन एडिशन टू अर्थ, अभी अर्थ में दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द रिवर, मतलब रिवर में भी बहुत स्पिरिट दिखाते थे, द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन, सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाए, मतलब हर विलेज को पता है कि इसके बाउंड्रीज कहाँ तक है, द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्स विद इन द बाउंड्री, लोकल पीपल हर नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखते थे, इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वॉन्ट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसरी दंड एंड मैन एक्सचेंज, मतलब अगर वो विलेज के लोगों को दूसरे विलेज के लोगों से अगर कुछ लेना होता तो उनको एक क्या है छोटी सी फीस भरनी पड़ती जिसको हम देवसरी दंड या मन भी बोलते थे, ठीक है। देन सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाई एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम, अब देखो अभी अभी विलेज है, विलेज की रखवाली भी करनी पड़ेगी, तो विलेज की रखवाली कैसे करते थे, एक वॉचमैन को यहाँ पे इंगेज करते थे, वॉचमैन लगा के रखते थे ताकि अभी वॉचमैन रखवाली करेगा, वॉचमैन को पैसे कैसे देंगे, पैसे नहीं देते थे बल्कि उसकी जगह वहाँ पे उनको ग्रेन्स देते थे, क्या देते थे उनको ग्रेन्स। Every year there is one big hunt where the headmen of villages in a parangna meet and discuss issues of concern including forest. मतलब हर साल एक बहुत बड़ा hunt होता था, मतलब headmen villages की, मतलब बहुत villages का एक बहुत बड़ा group आते थे और बैठते थे और discuss करते थे issues, क्या क्या villages में चल रहा है, क्या क्या issues आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सब देखे जाते थे, उसमें forest भी include होता था। अभी नेक्स्ट फियर्स ऑफ पीपल, फियर्स ऑफ पीपल, सो यहाँ पे बताया गया कि लोगों को क्या क्या डर था। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू रिजर्व 2/3 ऑफ फॉरेस्ट इन 1905, जैसे मतलब 2/3 फॉरेस्ट तो यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट का था, एंड स्टॉप, और उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशन स्टॉप कर दी थी, हंटिंग स्टॉप कर दिए थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना सब कुछ स्टॉप कर दिया था, पीपल ऑफ बस्तर वेरी वरीड, तो मतलब बस्तर के जो लोग थे बहुत ज़्यादा वरीड थे कि अब क्या करें जब सब कुछ बंद कर दिया। Some villages were allowed to stay in the reserve forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. अब कुछ लोगों को तो क्या है विलेज फॉरेस्ट जैसे सॉरी रिजर्व फॉरेस्ट जो एकदम बेस्ट फॉरेस्ट थे वहाँ पे मतलब रहने की परमिशन दी जाती थी, और वो भी किसकी बेसिस पे, सिर्फ ऐसे ही वैसे परमिशन नहीं देते थे उनको, बल्कि वहाँ पे उनको बदले में उधर फ्री में काम करना पड़ता था, फ्री में ट्रीज ट्रांसपोर्ट करने पड़ते थे, प्रोटेक्ट करना पड़ता था फायर्स को, तभी जाके उनको रिजर्व फॉरेस्ट में रहने दिया जाता था। दीज केम टू, तो इन सबको क्या है सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी इन नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, तो इन सबको फॉरेस्ट विलेजेस का नाम दिया गया। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन, जब तो मतलब जो दूसरे विलेजेस के जो लोग थे उनको डिस्प्लेसमेंट, उनके घर से निकाल दिया जाता था बिना कोई नोटिस के, बिना कोई कंपनसेशन के, तो उनको हटा दिया जाता था उनके घर से। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स, अभी लैंड के जो रेंट थे वो भी बढ़ा दिए गए थे, टैक्स बढ़ा दिए गए थे लैंड पे जो इम्पोज होते थे, तो विलेजेस तो इतना सारा भर नहीं सकते, एंड फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर, और लेबर भी चाहिए थे तो कैसे, फ्री लेबर मतलब उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे, फ्री में काम करना है, एंड गुड्स by colonial officials.
देन केम द टेरिबल फेमाइंस. फिर टेरिबल फेमाइंस मतलब बहुत ज़्यादा फेमाइन आए, सूखा पड़ा. अब ये 1899 से लेके 1900 तक आए, और फिर से 197 से फिर दूसरे एक साल आए. पहले ये यहाँ पे एक साल, फिर दूसरा ये एक साल. रिजर्वेशन प्रूव्ड टू बी द लास्ट स्ट्रॉ. अभी फॉरेस्ट को रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, सेव करके रखना, वही आखिरी इनके पास रास्ता था. People began to gather and discuss these issues in the villages council. अभी लोग क्या है, मतलब villages में इकट्ठा होते थे और इस पर चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे कि अब क्या करना चाहिए. Then in bazaars and at festivals or whether the headmen and priests of several villages were assembled. तो वहाँ पर कौन कौन से, मतलब जो priest थे दूसरे villages के, वो भी आते थे, headmen भी आते थे, सब आते थे. The initiative was taken by the Dhurvas of the Kangir forest. अब जो initiative, मतलब इसका इनिशिएटिव कौन लिया, किसने स्टार्ट किया, धुरवास जो कंगीर फॉरेस्ट के थे. वे रिजर्वेशन फर्स्ट प्लेस, जहाँ पे रिजर्वेशन सबसे पहले पहले स्टार्ट की गई. Although there was no single leader, many people speak of Gunda Dhur from village Nethanar as an important figure in the movement. तो यहाँ पे मतलब एक भी single leader नहीं बचा था, एक भी leader नहीं था, सब Gunda Dhur बोलते थे. People speak of, सब Gunda Dhur के बारे में बोलते थे, जो कौन से village से थे, Nethanar. तो ये एक बहुत ज़्यादा important movement बन गई थी. In 1910, Mango Bose, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between villages. There were actually messages inviting villagers to rebel against the British. मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अभी ब्रिटिश के खिलाफ रिबेल करेंगे. Every village contributed something to the rebellion expenses. सभी ने मतलब अभी रिबेलियन के एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है, हथियार तो कुछ लगेंगे ना रिबेल करने के लिए, ठीक है, तो उसके पैसे कहाँ से, तो सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. बाजार वर लूटेड, बाजार को लूट लिया गया. हाउसेज ऑफ ऑफिशियल, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल है उनके घर को, उनकी बिल्डिंग्स को, उन सबको लूट लिया गया. ट्रेडर्स हो, स्कूल्स हो, पुलिस स्टेशंस वर बर्नड. स्कूल, कोई भी बिल्डिंग, मतलब ब्रिटिश की बिल्डिंग, ब्रिटिश के स्कूल्स, ट्रेडर्स, व्यापार, पुलिस स्टेशन, सब कुछ वहाँ पर जला दिया गया, लूट लिया गया. एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और जो ग्रेन भी लूट लिए गए और आपस में ही विलेज वालों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए. मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन some way associated with the colonial state and its oppressive laws. मतलब उन्होंने, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब अलग अलग वे से अटैक किया. अभी विलियम वार्ड, मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, रोट. अब विलियम वार्ड था जिसने सारे इवेंट्स देखे, तो उसने लिखा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इन टू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियंस, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स. मतलब सभी को क्या है, हर डायरेक्शन से, मतलब चाहे पुलिस हो, मर्चेंट्स हो, पियंस हो, स्कूल के टीचर्स हो, सब कुछ, चाहे बाहर के लोग हैं, सबको जला दिया गया. जला इन द मतलब सबको लूट लिया गया, सबके घर लूट लिए गए. तो ऐसा सब कुछ चल रहा था वहाँ पे. सो नेक्स्ट है, द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस रिबेलियन. तो ब्रिटिश ने क्या है, ट्रूप्स भेजे ताकि वो रिबेलियन को सप्रेस कर सके. द आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोशिएट, बट आदिवासी लीडर्स ने नेगोशिएट करना शुरू किया. बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम. बट ब्रिटिश ने उनको पूरी चारों तरफ से घेर लिया था और उनके कैंप पे फायर किए जा रहे थे. आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रिबेलियन. फिर वो सब क्या गए, उन सब ने मतलब फिर वो सब कहाँ गए थे, विलेजेस में गए थे, और एक एक को पकड़ के जो भी उनको मिल रहा था, जिन्होंने रिबेलियन में पार्ट लिया था, उन सबको वहाँ पे पनिश किया जा रहा था. Then most villages were destroyed as people fled into the jungles. बहुत सारे most villages were deserted. बहुत सारे जो villages थे उनको desert कर दिया गया. Then it took 3 months. तो इसको 3 महीने लगे, फेब्रुवरी से मई तक. फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 3 महीने लगे. फिर फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल, मतलब 3 महीने किस चीज़ के लिए लगे, कि मतलब जो विलेजेस ने जो रिबेलियन किया था, ब्रिटिश को सब कुछ तो अंडर कंट्रोल तो लाना था, तो ब्रिटिश को कंट्रोल लाने में 3 महीने लगे थे. हाउ एवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडा धूर. मतलब तो उन्होंने कभी मैनेज नहीं किया कि वो गुंडा धूर को कैप्चर कर लें. सो इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल्स, मतलब बहुत सारी, जैसे इनकी जब ये रिबेलियन में जीत गए थे ब्रिटिश, तो इन्होंने रिजर्वेशन की, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किए, एंड एट द एरिया टू बी रिजर्व वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ.
जो जितना एरिया जो सेव करना था, कंजर्व करना था, रिजर्व करना था, तो हाफ मतलब वो कम होता गया धीरे धीरे, फिर हाफ हो गया। ये 1910 से पहले डिसाइड किया गया था। स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। तो इधर ही बस्तर के लोगों की और उनकी फॉरेस्ट की कहानी खत्म नहीं हो। इंडिपेंडेंस के बाद विद द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड इन द 1970s। मतलब क्या हुआ, जो सेम प्रैक्टिस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी हुई, फॉरेस्ट मतलब लोगों को बाहर रखा गया फॉरेस्ट के और उनको कंजर्व किया गया, और रिजर्व भी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। 1970s में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स दैट 4,600 हेक्टर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। तो फिर क्या गया, जितना भी फॉरेस्ट था, साल फॉरेस्ट था, तो वर्ल्ड बैंक ने मतलब ये ऑर्डर दिया कि 4,600 हेक्टर्स की मतलब उतने एरिया में पल्प मतलब ट्रॉपिकल पाइन के फॉरेस्ट मतलब पेड़ उगाए जाएंगे वहाँ पे, और उससे हमें पल्प मिलेगा और पल्प से हम पेपर इंडस्ट्री चलाएंगे, क्योंकि पल्स पे क्या मिलता है, पेपर। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाई लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड। ये सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट की वजह से हुआ था कि ये प्रोटेस्ट जो है रुक गया था। नाउ लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के दूसरे पार्ट पे चलते, इंडोनेशिया पे, एंड सी वट वॉज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। अभी अभी एशिया में यहाँ पे ये चल रहा था, तो अभी इंडोनेशिया में देखते उधर क्या चल रहा था। अभी यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। अभी जावा में ऐसा क्या हुआ, हमने देखा बस्तर में क्या हुआ था। अभी फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेस्ट इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया जावा में, वो देखते हैं। नाउ जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। जावा को किस नाम से जाना जाता है, मतलब इंडोनेशिया में जब राइस प्रोड्यूस करते हैं। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। मतलब ज़्यादा ज़्यादा जावा तो फॉरेस्ट से ही कवर था, और मतलब इंडोनेशिया की जो कॉलोनियल पावर थी वो भी किसके हाथ में थी, डच के हाथ में, ब्रिटिश के नहीं, डच के। मतलब बहुत सारी जैसे इंडिया में भी लगाए गए थे और इंडोनेशिया में भी, तो बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज दोनों में सेम ही थे, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज थी इंडोनेशिया और इंडिया के फॉरेस्ट लॉज में। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाइक द ब्रिटिश, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। अभी जावा मतलब इंडोनेशिया में जो जावा था, उधर क्या है, डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट की, बट जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में की थी, ब्रिटिश को क्या चाहिए था, टिम्बर फ्रॉम जावा, ब्रिटिश को टिम्बर चाहिए था जावा से शिप्स बनाने के लिए। सो इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वॉज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। तो पॉपुलेशन कितनी थी, 1600, 3.4 मिलियन थी। देयर वर मेनी विलेजेस एंड फर्टाइल पीन, बहुत सारे दूसरे विलेजेस भी थे, बट देयर वर ऑल्सो मेनी कम्युनिटीज, और दूसरी कम्युनिटीज भी थी जो माउंटेन्स वगैरह में रहती थी, जहाँ पर वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे। अब यहाँ पे वुड कटर्स, अब जावा के वुड कटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कलांग्स, सो द कलांग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो जो मतलब जो जावा के जो मतलब जावा में कम्युनिटी जो है कलांग्स, तो वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स मिलते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे। दे वर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755 व्हेन द मलातराम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट द 6,000 कलांग्स फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम्स। मतलब जब मतलब ये इतना वैल्यू थे कलांग्स, इतने वैल्यूएबल थे 1755 में जो माताराम किंगडम था, तो जावा का स्प्लिट हो गया, ठीक है, माताराम किंगडम जो था जावा का वो स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक साइड 6,000 कलांग्स फैमिली थी, विदाउट देयर एक्सपर्टाइज, अगर सिक्स वो कलांग फैमिलीज ना हो तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कि टीक को हार्वेस्ट करना, क्योंकि वो क्या है, वो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे। For the king to build their palace, when the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the kalangs work under them. जब डच ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया, ठीक है, जावा को, तो उन्होंने देखा, उन्होंने ट्राई किया कि कलांग्स को भी अपने अंडर काम करें और वो भी फ्री में काम करवाएं। इन 1770 द कलांग्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोआना, बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। मतलब कलांग्स ने रेजिस्ट तो किया, उन्होंने अटैक भी किया, जो डच का एक फोर्ट था जिसका जो जोआना में था, तो उस पर अटैक भी किया, बट फिर भी वो सप्रेस कर दिया गया उनको। अभी नेक्स्ट है
डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. अभी जैसे इंडिया में एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, वैसे सेम डच में भी हुई थी. अब देखते हैं उन्होंने कौन सी की थी. 19th century में व्हेन इट बिकेम इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी, जब मतलब ये इम्पोर्टेंट बन गया था कि डच को ये टेरिटरी कंट्रोल करनी है, ना कि सिर्फ लोग बल्कि टेरिटरी भी. द डच इनएक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा, तब डच ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे जावा में, जिसमें रिस्ट्रिक्टिंग विलेजेस एक्सेस टू फॉरेस्ट, मतलब विलेजर्स क्या है फॉरेस्ट में नहीं जा सकते. नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, अब वुड सिर्फ कुछ ही पर्पस के लिए ही काटा जाएगा. अभी कुछ ही पर्पस मतलब स्पेसिफाइड पर्पस, यानी जैसे मेकिंग रिवर बोट और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, रिवर बोट बनाने के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, एंड ओनली फॉर स्पेसिफाइड स्पेसिफिक फॉरेस्ट, मतलब सिर्फ कुछ ही फॉरेस्ट से काटा जाएगा. विलेजेस फॉर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड यंग स्टैंड, मतलब अगर किसी मतलब वहाँ पे भी ग्रेजिंग करना रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और जो पकड़ा जाता था उसको पनिश किया जाता था. ट्रांसपोर्टिंग वुड भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे विदाउट अ परमिट, परमिशन के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते थे. और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल, मतलब वहाँ पे कोई भी जैसे हॉर्स कैटल वगैरह नहीं लेके जा सकते थे फॉरेस्ट वगैरह में. As in India, the need to manage forests for shipbuilding and railway led to introduction of a forest service. मतलब जब फॉरेस्ट को मैनेज करने पर बात आई, जैसे शिप बिल्डिंग रेलवेज में, तो उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस इंट्रोड्यूस की. अभी फॉरेस्ट सर्विस कैसी, इन 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावालम, 2,80,000 ही स्लीपर्स ना जावा से एक्सपोर्ट बाहर भेजे जाते थे. हाउ एवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, अभी इतने सारे स्लीपर्स लगते हैं, मतलब फिर तो लेबर्स भी ज़्यादा लगते होंगे ट्रीज को काटने के लिए. ट्रांसपोर्ट करने के लेबर्स लगते हैं, स्लीपर्स को काटने में उस तरीके से काटने में लेबर लगते हैं, और वो भी स्किल्ड लेबर्स. द डच फर्स्ट इम्पोज ट्रेंड्स ऑन लैंड बींग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दिस ट्रेंड. If they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber, this was known as Blandin system. मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो डच थे पहले तो उन्होंने रेंट वगैरह लैंड पे रेंट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कल्टिवेट करना है तो पहले रेंट दो और तभी जाके आप कल्टिवेट कर सकते हैं, एंड देन एग्जेम्प्टेड. फिर उन्होंने मना कर दिया कुछ विलेजेस को रेंट देने के लिए, और किन लोगों को मना किया है, अगर वो वहाँ पे फ्री लेबर काम करेंगे, अच्छे से बात मानेंगे, फ्री लेबर काम करेंगे, टिम्बर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इसलिए फिर डच ने सिर्फ उन पे ही क्या है टैक्स नहीं लगाया, उनसे ही रेंट नहीं लिए, और इसको इसी को हम बोलते हैं ब्लैंडन सिस्टम. अजीब नाम है थोड़ा, है ना. लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस, मतलब फिर बाद में क्या है ये रेंट एग्जेम्पशन रेंट को माफ़ करने के बजाय फॉरेस्ट विलेजर्स को मतलब कम वेजेस, थोड़ी छोटी वेजेस दी गई. बट द राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड, बट उनके खुद की मतलब उनके लैंड पे खुद ही कल्टिवेट करना, तो ऐसा राइट उनको नहीं दिया गया था. फिर नेक्स्ट आता है सैमन्स चैलेंज. सैमन्स चैलेंज में अराउंड 1890, अब यहाँ पे होती है सुरंतिको सैमन की बात. तो ये कौन से विलेज के थे सुरंतिको सैमन, रेंडू ब्लांटिंग विलेज के, और एक टीक फॉरेस्ट था विलेज का. Then he began questioning a state ownership of the forest. So उन्होंने खुद मतलब उनके फॉरेस्ट की, तो उन्होंने questions पूछे उनके फॉरेस्ट के ownership के बारे में. उन्होंने बहस की वहाँ पर that the state had not created the wind, water, earth and wood. So it could not own it. मतलब देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने क्या कहा कि उनको क्या स्टेट की बात मानी थी, बट उन्होंने आर्ग्यू की कि स्टेट ने थोड़ी ना ये हवा पानी धरती वुड ये सब स्टेट ने थोड़ा ना बनाया है कि वो उनका हो जाएगा. सून वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप, तो यहाँ पे एक मूवमेंट डेवलप हुई. अभी अमोंगस्ट दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट वर सैमन सन एंड लॉस. अब सैमन की हेल्प किसने ली, मतलब किसने की, सैमन के जो सन इन लॉ थे, मतलब उनके जो बेटी के जो हस्बैंड थे, मतलब जो दामाद थे उनके, ठीक है, उन्होंने हेल्प की. अभी बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज. अब 1907 के आते आते 3000 फैमिलीज उनके आइडिया के हिसाब से काम करने लगी. सम ऑफ द सैमनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर ओन लैंड, मतलब उनके खुद की लैंड, मतलब बहुत सारे सैमनिस्ट ऐसे थे जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था. व्हेन द डच केम टू सर्वे, जब डच आए थे, वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स और परफॉर्म लेबर्स, मतलब जब डच आए थे तब उन्होंने क्या उन्होंने मना कर दिया था कि वो टैक्स नहीं देंगे, सिर्फ फाइन लेंगे.
अभी यहाँ पे वॉर और डिफॉरेस्टेशन आई थिंक आखिरी टॉपिक लास्ट टॉपिक है, वॉर डिफॉरेस्टेशन और न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। अभी क्या क्या नुकसान हुआ इससे वो सब बताया है, डिस्ट्रक्शन क्या, डिफॉरेस्टेशन और डिस्ट्रक्शन क्या क्या हुआ। द फर्स्ट आई शुड गेट इट बिगर, सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसका बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबैंडन्ड एट दिस टाइम, मतलब इंडिया में इस टाइम पे जो वर्किंग प्लान्स है वो सब बंद कर दिए गए, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो शुरू किया ना पेड़ काटना, बस चलते गया। अब पेड़ भी क्यों काट रहे थे, टू मीट ब्रिटिश वॉनीट्स इन जावा। जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोड स्कॉच अर्थ पॉलिसी। जावा में क्या हुआ, जब जापानीज ताकि उनका वो रीजन कवर ना करे, उनका रीजन कंट्रोल में ना ला लें, तो इसलिए डच ने एक पॉलिसी फॉलो की, और वो पॉलिसी का नाम क्या था, स्कॉच अर्थ पॉलिसी। इसमें ये पॉलिसी में क्या करते थे, दे डिस्ट्रॉय सॉ मिल्स बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जायंट क्लॉक्स सो दैट दे वुड नॉट फॉल इन टू जापानीज। अब उन्होंने देखो उनका क्या मानना था, अगर ये तुम्हारा नहीं हो सकता तो मतलब अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो ये तुम्हारा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब मतलब जो वो जापानीज के डच को चाहिए था, बट जापानीज आके उन पर कब्जा करने वाले थे, तो डच ने क्या किया, स्कॉच अर्थ पॉलिसी की, उसमें मतलब सारे सॉमिल सब कुछ जला दिया, सब कुछ बर्न कर दिया, टीक लॉग्स मतलब बड़े बड़े पेड़, मतलब पूरा फॉरेस्ट उन्होंने तबाह कर दिया, ताकि अगर ये हमारे हाथ में नहीं लगेगा तो तुम्हारे हाथ में भी कैसे लग सकता है। द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज, मतलब उनकी खुद की वॉर इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने क्या है, मतलब फॉरेस्ट क्या एक्सप्लॉइट कर दिया, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजेस टू कट डाउन फॉरेस्ट, और वो भी फॉरेस्ट विलेजेस को फोर्स कर रहे थे कि पूरा फॉरेस्ट काट दें। मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टिवेशन इन द फॉरेस्ट। अभी उन्होंने क्या फॉरेस्ट जला दिया, ठीक है, और उनको बोल रही थी फॉरेस्ट काट दो, तो विलेजर्स ने इसी का फायदा उठाया और उन्होंने अपना कल्टिवेशन एक्सपैंड कर लिया कि नहीं अभी हमारा पहले उनका एरिया इतना है, तो फिर बाद में बोलिए नहीं हमारा एरिया तो अभी इतना हो गया, ठीक है। उन्होंने सब ने इसका क्या एडवांटेज लिया, अपना अपना कल्टिवेशन एक्सपैंड करके। सो आफ्टर द वॉर, अभी वॉर की बात क्या हुआ, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट द स्टैंड बैक। अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इंडोनेशियन फॉरेस्ट के कि अभी उनको अपनी लैंड वापस कैसे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने जला दिया था, तब उनके पास कैसे कुछ बचता, तो थोड़े सोच में थे कि अब क्या करें। एज एन इंडिया पीपल नीड्स फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया में भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, इधर भी वैसे ही हुआ, डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। अभी ये सब उन्होंने छोड़ दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, नुकसान इन्हें करवाया तो फायदा भी तो यही करवाएंगे, ठीक है, तो उनका ऐसा मानना था। तो ये सब डिस्ट्रिक्शन हुआ, यहाँ पे स्कॉच अर्थ पॉलिसी फॉलो की डच ने। अभी नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक जो है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट। अभी क्या क्या डेवलपमेंट और हुई, डिस्ट्रिक्शन तो पढ़ लिया, डेवलपमेंट भी पढ़ लेते हैं। Since the 1980s, government across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. मतलब जो government Asia और Africa की जो government थी उन्होंने scientific forestry start की, है ना, ये तो हम सबको पता है, मैंने पढ़ा था, ये हमने पढ़ाया था कि scientific forestry शुरू की, और जो policy थी कि वहाँ पर forest को मतलब forest communities को उधर ही रखना है, मतलब forest से दूर रखना है, और उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल बन गया उनके लिए। द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल। अभी गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज, ये पहचान लिया था कि अगर ये गोल हमें करना है कम्प्लीट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, The people who live near the forest must be involved. मतलब जो forest के आसपास लोग रहते हैं वो भी involved होने चाहिए, क्योंकि हमें forest safe तो सबको एक साथ मिलकर करना है। In many cases, बहुत सारे cases में, India के cases में, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because village protected them in sacred groves known as Sarnas, Devara Kudu, Kan Rai, etc. अभी मिजोरम से केरला आज भी इतने डेंस फॉरेस्ट हैं, घने घने जंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वो भी कैसे मिलेंगे घने घने जंगल, बल्कि सिर्फ विलेजर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या है ये विलेज को प्रोटेक्ट किया था, किससे, सरनास देव, अजीब से ही नाम है,
देवारा कुदू कानराई वगैरह से. सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट. कुछ कुछ विलेजेस तो अपने ही फॉरेस्ट की पेट्रोलिंग कर रहे थे, अपनी फॉरेस्ट की रक्षा करते थे, वही प्रोटेक्ट करते थे. विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न्स इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड. बस वो फॉरेस्ट गार्ड पे नहीं छोड़ देते, वो क्या करते थे, अब जैसे 100 families रहती है एक विलेज में, तो एक दिन एक फैमिलीज करेगी प्रोटेक्ट, दूसरे दिन दूसरी फैमिली, तो ऐसे सबके टर्न वाइज वो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते थे. देन लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. अभी जो एनवायरमेंटलिस्ट है, दूसरी कम्युनिटीज है, वो क्या है और क्या है फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, मतलब और अलग अलग तरीकों से सोचते, डिफरेंट सोचते. तो ये डेवलपमेंट हुए थे उन्होंने, मतलब टर्न वाइज अपने फॉरेस्ट को क्या है प्रोटेक्ट किया. अभी दिस चैप्टर फिनिशेज हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो ये मतलब इस बात में सिर्फ एक ही बात कही है, कहीं मतलब एक ही सीख मिली है कि हमें फॉरेस्ट को कभी काटना नहीं चाहिए. ठीक है, तो हमारे ये चैप्टर का जो पार्ट टू था वो भी इधर ही ख़त्म होता है. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. अभी बाकी के 3 chapters और बचे हैं हिस्ट्री में. 2 chapters हम लोग कवर कर लिए, बाकी 3 बचे हैं वो भी हम जल्दी कर लेंगे. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ कमेंट ऑल्सो. So we'll meet again in the next chapter of history. I think so, last chapter or Hitler one. So bye guys, take care.